वेलकम बैक गाइस। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो खुशी मूवी है उसको है आज पांचवा दिन। तो आज हम जानेंगे इस मूवी के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इसके टोटल चार दिनों के इंडिया नेट और जो है कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले अगर बात करें मूवी के स्टार कास्ट की, तो इस मूवी में जो सबसे अहम किरदार में नजर आएंगे वो हम सभी को पता ही है, हम सबके चाहते जो विजय देवराकोंडा और उनके साथ साथ सामंथा दिवसप्रभु। तो बहुत ही अच्छी स्टार कास्ट है मेरे हिसाब से, और मतलब मेरे को तो सामंथा काफ़ी अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल लगती हैं। बात कर रहे हैं पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो पहले दिन इस मूवी ने जो इंडियन इससे नेट कलेक्शन किया था यानी कि सभी लैंग्वेज में, वो था 15,85,00,000, और वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 27,25,00,000। सी हाँ गाइस। तो बात करें दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दूसरे दिन इस मूवी का जो इंडिया से नेट कलेक्शन था वो था 9,05,00,000 रुपये, और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने जो कलेक्शन किया था वो किया था 16,05,00,000 रुपये। सी हंगा। तो ये मूवी जो है कि वर्ल्ड वाइडली काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बात करें तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में गाइज, तो तीसरे दिन इस मूवी ने जो कलेक्शन किया था वो किया था 9,60,00,000 रुपये। सी हाँ गाइज। और वर्ल्ड वाइडली इस मूवी ने जो कलेक्शन किया था वो किया था लगभग 17,15,00,000। सी हाँ गाइज। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। बात करेंगे फोर्थ डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो चौथे दिन इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो गिर गया, क्योंकि चौथे दिन था मंडे, तो मंडे को कलेक्शन गिरना जायज़ सी बात है, और 1,70,00,000 रुपये कमाए थे इस मूवी ने चौथे दिन। और वहीं चौथे दिन इस मूवी का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा था वो रहा था लगभग 4,60,00,000 रुपये। सी हाँ गाइस। तो चौथे दिन भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन रहा था वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो। और बात करें अगर पाँचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो गाइज पाँचवें दिन इस मूवी ने जो कलेक्शन किया वो किया है लगभग 2,00,00,000 का। सी हाँ गाइज। तो 2,00,00,000 का कलेक्शन था इसका इंडिया नेट का, और ये मूवी आज जो वर्ल्ड वाइडली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है वो कर रही है लगभग 5,00,00,000 का, यानी कि 2,00,00,000 इंडिया नेट और 3,00,00,000 वर्ल्ड वाइडली ओवरसीज से। तो इससे अगर इस मूवी का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर रिपोर्ट निकाली जाए, तो इसका जो इंडिया नेट कलेक्शन जो हो जाता है वो हो जाता है लगभग 39,00,00,000। जी हाँ गाइस, इंडिया नेट कलेक्शन जो है वो 39,00,00,000 के करीब हो जाएगा, और वर्ल्ड वाइडली इस मूवी का जो कलेक्शन है वो हो जाएगा 70,05,00,000 रुपये। जी हाँ गाइस, 70,05,00,000 रुपये इस मूवी का जो है कि कलेक्शन हो जाएगा 5 दिनों के अंदर। और क्योंकि मूवी का जो बजट है वो है मात्र 50,00,00,000, तो मूवी वर्ल्ड वाइडली जो है कि एक हिट हो ही चुकी है, बट इंडिया में भी हिट होने के लिए इसको करीब जो है कि 20,00,00,000 कलेक्शन और करना होगा। तो मुझे लगता है ये मूवीज़ भाई इंडिया में तो हिट नहीं हो पाएगी, बट वर्ल्ड वाइडली ये मूवी जो है कि ज़रूर से बहुत अच्छी हिट हो जाएगी, क्योंकि ये मूवी जो है कि ऑलरेडी 70,00,00,000 का कलेक्शन कर चुकी है। तो ये मूवी वर्ल्ड वाइडली तो हिट हो चुकी है, बट इंडिया से इसका जो है कि अभी तक बोल सकते हैं बजट भी रिकवर नहीं कर पाई है इस ये मूवी इंडिया में। बट विदेश में अगर बात करिए यूएसए में, तो यूएसए में भाई इस मूवी ने लगभग 2 मिलियन US डॉलर का कलेक्शन कर चुकी है गाइस। जी हाँ गाइस। और ये भाई मतलब विजय देवराकोंडा की करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट जो है कि ग्रोसर बन चुकी है वर्ल्ड वाइडली। तो भाई उन्हें मतलब विदेश में भी काफ़ी अच्छी पहचान मिल चुकी है, तो उसके लिए भाई उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उनकी ये मूवीज़ जो है कि वर्ल्ड वाइडली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी भी, और मुझे लगता है कि जल्द ही ये मूवी जो है कि 100,00,00,000 के क्लब में वर्ल्ड वाइडली शामिल हो जाएगी। बात बाकी आपको गाइस क्या लगता है कि ये मूवी वर्ल्ड वाइडली 100,00,00,000 में शामिल हो पाएगी या नहीं, और क्या ये मूवी इंडिया में हिट हो पाएगी या नहीं, अपने कमेंट में जरूर दे सकते हैं। विजय देवराकोंडा के अगर आप फैन हैं तो वीडियो को दिल से लाइक, अगर आप जो है कि सामंथा के फैन हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको सारी वीडियो मिल सके। थैंक यू गाइस।